फिल्म पुष्पा की तर्ज पर गांजा तस्कर लंबे समय से ट्रक और एम्बुलेंस के जरिए तस्करी कर रहे थे। थाना हरिपर्वत पुलिस और सर्विलेंस की टीम द्वारा इस गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 200 किलो गांजा बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंकते हुए फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यह गैंग लंबे समय से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर रहा था। गैंग के लोग ट्रक और एम्बुलेंस के जरिए गांजे की खेप एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। थाना हरि पर्वत पुलिस और सर्विलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से इस गैंग का खुलासा किया है। गैंग के पास से 200 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए में निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से दिल्ली NCR के लिए खेप निकली थी, लेकिन पुलिस ने गैंग के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 किलो गांजा बरामद कर लिया है। गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय बताया जा रहा है। इस गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। वहीं इतने बड़े खुलासे के लिए खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सर्विलांस टीम कमिश्नर डागरा और थाना हरि पर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। इनका मोटस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे और स्पेसिफिक इनपुट थी। इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको अप्रिहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। और इस गुडवर्क को देखते हुए सीपी सर ने इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक होता है। देखिए, उड़ीसा से लेके चलने की बात आई है पूछताछ में और इसको आगे ये दिल्ली NCR की तरफ लेके जा रहे थे और यहाँ हमने ट्रांसपोर्ट नगर में किसी भोजन करने वाले काम से रुके और उसी में हमें सूचना मिली और हमने। DG महर्जा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।